इन दिनों मंडी स्थित डाइट संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यशाला में चरणबद्ध ढंग से प्री प्राइमरी अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले चरण की इस कार्यशाला में 128 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन दिनों मंडी स्थित डाइट संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यशाला में चरणबद्ध ढंग से प्री प्राइमरी अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पहले चरण की इस कार्यशाला में 128 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डाइट प्रधानाचार्य बलबीर भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा को सुदृढ़ करने और गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाइट संस्थान में 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन कार्यशालाओं के माध्यम से 498 स्कूलों के अध्यापकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला मंडी में समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्री प्राइमरी एजुकेशन को सुदृढ़ करने के लिए तथा गुणात्मक शिक्षा में सुनिश्चित करने हेतु आज 3 दिवसीय कार्यशाला का आरंभ किया गया। इसमें हमारे जिला के 498 स्कूल्स के जो अध्यापक हैं वो ट्रेन किए जाएंगे। इनको हम 7 चरणों में पूरा करेंगे। जैसे कि रिसर्च रिपोर्ट बताती हैं कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो 8 साल तक लगभग 80% हो जाता है। तो हम इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें जो बड़ी आसानी से मनोवैज्ञानिक तरीके से खेल खेल में कैसे हम सिखा सकते हैं, इसके लिए जो है वो इन अध्यापकों को विशेष रूप से जो है वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण देने के लिए जो हमारे पास जो स्टेट लेवल के रिसोर्स पर्सन हैं जिन्होंने पहले भी ट्रेनिंग इस पे की है वो करवाई जा रही है। इसमें हम प्रथम संस्था की जो मदद है वो भी ले रहे हैं। इन ट्रेनिंग के दौरान शिक्षा में गुणवत्ता आ सके, हमारी स्कूलों में नामांकन बढ़ सके और बच्चों को और आसान तरीके से कैसे काम कराया जा सके इनके ऊपर चर्चा होगी। मुझे उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग के बाद ये अध्यापक जो हैं वो अपने विद्यालय में जाकर के हमारी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको सुदृढ़ बनाएंगे। इस बार समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों को वाला फीचर्स डेवलप करने के लिए भी लगभग 25,000 की धनराशि जो है वो दी जाएगी। कुल मिलाकर प्रत्येक स्कूल जिसमें के प्री प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं उनमें 1,29,000 रुपये की धनराशि जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो है वो खर्च की जाएगी। कार्यक्रम में वक्त चला है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।